वेलकम टू ड्राफ्टिंग टू विजुअलाइजेशन। कैसे हैं आप साहब? आज की जो मेरी वीडियो है वो ऑटोकैड 3D की क्लास नंबर 2 है। आज की वीडियो में हम पॉलीसॉलिड और प्रेस पुल की कमांड को सीखेंगे। पॉलीसॉलिड की मदद से हम अपनी वॉल्स वगैरह बनाते हैं 3D की, और प्रेस पुल की मदद से हम अपने किसी फेस को एक्सट्रूड कर सकते हैं। चलिए तो इनको डिटेल में जानने के लिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अपना व्यू को रोटेट कर लेता हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक्सट्रूड व्यूज़ और विजुअल स्टाइल को बताया था, व्यूज़ को कैसे रोटेट करते हैं वो भी बताया था, यहाँ से रोटेट करते हैं। अभी मैं अपने व्यू को 3D ऑर्बिट से रोटेट करता हूँ। 3D ओस की शॉर्ट की है, तो ये देख रहे हैं मेरे यार जो वो था माउस का कर्सर था वो चेंज हो गया, प्लस का साइन से ये एक ऑर्बिट की शेप में कन्वर्ट हो गया। अब माउस के बटन को क्लिक करके मैं इसको अपने व्यूज़ को चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ से 3D ओ से भी आप चेंज कर सकते हैं 3D ऑर्बिट को। यहाँ से भी हम नेविगेशन बार में यहाँ पे भी ऑर्बिट की कमांड मौजूद है, तो यहाँ से भी हम चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हम अपने कीबोर्ड से शिफ्ट के बटन को प्रेस करें और माउस का स्क्रॉल, माउस के व्हील को प्रेस करना है, घुमाना नहीं है, प्रेस करके रखें तो ये मेरा ऑर्बिट में कन्वर्ट हो जाता है माउस का जो वो होता है कर्सर। ठीक है, इस तरह से आप ऑर्बिट की कमांड को भी यूज़ करते हैं। बाज़ बाद हम बहुत ज़्यादा इसको इस्तेमाल करते हैं, इसलिए ये बताना ज़रूरी थी। अब चलते हैं पॉलीसॉलिड की तरफ। पॉलीसॉलिड पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ, इसमें अपने तीन काम करने हैं। जो वाल आपने बनानी है उसकी हाइट देनी है, उसकी विड्थ बतानी है, और उसकी डायरेक्शन बतानी है कि कहाँ से शुरू हो, कि लेफ्ट साइड से हो, राइट साइड से हो, या सेंटर से हो। अभी मैं इसकी हाइट रख देता हूँ 10 फुट। ठीक है, 120 इंच मैंने एंटर कर दिया। इसकी हाइट विड्थ में रखता हूँ, दीवार की विड्थ होती है 9 इंच। जस्टिफिकेशन में रखता हूँ लेफ्ट, सॉरी एल एंटर करना है जस्टिफिकेशन के लिए। ठीक है, अब इसको मैं इस प्लान के ऊपर बनाना शुरू करता हूँ। यहाँ पे क्लिक करें, देन यहाँ पे क्लिक करें। ठीक है, देख रहे हैं मेरी वॉल बन रही है। स्पेस से मैंने अपनी कमांड को ख़त्म किया क्योंकि अगर विंडो थी, देन यहाँ पे मैंने दोबारा से स्पेस से रिपीट किया अपनी कमांड को, स्पेस दबाया, दोबारा से रिपीट किया। तो इस तरह से आप पॉलीसॉलिड की मदद से अपनी वॉल्स वगैरह बना सकते हैं। ठीक है, अब जस्टिफिकेशन बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे मैंने दोबारा स्पेस रिपीट किया कमांड को, यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने इसको लगाया। अभी लेफ्ट साइड था, मतलब कि इस कॉर्नर से अंदर की तरफ जस्टिफिकेशन मैंने लेफ्ट किया, तो कॉर्नर मतलब कि मेरी दीवार ठीक बन गई लेफ्ट पे। पॉलीसॉलिड पे गया, जस्टिफिकेशन में अगर इसके राइट रखता हूँ, तो अब मैं यहाँ से इस कॉर्नर से दीवार को बनाता हूँ, तो देख रहे हैं तो मेरी दीवार बाहर की तरफ बन रही है, ना कि अंदर की तरफ। मुझे लेफ्ट सूट कर रहा था, लेफ्ट ठीक था, तो इसलिए मैंने लेफ्ट रखा था, राइट मुझे ठीक नहीं लग रहा। अब सेंटर करूँगा तो वो ऑब्वियसली बात ये है कि वो दोनों तरफ बढ़ेगी। सेंटर करता हूँ, जिस पॉइंट से आप शुरू करेंगे उसके दोनों तरफ इक्वली 4.5 इंच इधर 4.5 इंच उधर बढ़ रही है। ठीक है, उसके बाद पॉलीसॉलिड में एक ऑप्शन है ऑब्जेक्ट की। पॉलीसॉलिड की कमांड लगाई, हाइट विड्थ और जस्टिफिकेशन, जस्टिफिकेशन को मैं लेफ्ट कर देता हूँ। ठीक है, हाइट विड्थ और जस्टिफिकेशन जो मैंने एक दफ़ा टाइप कर दी वो मेरी डिफ़ॉल्ट सेट हो जाती है। अब मैं ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ, इस रेक्टेंगल को क्लिक करता हूँ, तो देन वो मेरा लेफ्ट साइड की तरफ जस्टिफिकेशन हो, या हाइट उसकी 10 फुट होगी और विड्थ उसकी 9 इंच होगी। ठीक है, किसी भी शेप को आप इस तरह से ड्रा कर सकते हैं, जैसे हाइट इसकी 10 फुट है जेड एक्सिस में। इसी तरह सर्कल लगाया मैंने, सी एंटर करके सर्कल लगाता हूँ एक पॉलीसॉलिड से ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके, दैन ये सर्कल भी मेरा एक्सट्रूड हो जाएगा। पॉलीसॉलिड की कमांड आई हो, पॉलीसॉलिड की कमांड आपको समझ लग गई होगी। उसके बाद प्रेस पुल की कमांड है। कमांड है प्रेस पुल की मदद से आप अपने फेस को आगे की तरफ एक्सट्रूड कर सकते हैं। जैसे ये फेस मेरा बना हुआ था, इसको मैं आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ, जैसे यहाँ तक लेके आना चाह रहा हूँ, तो उसको बढ़ा कर यहाँ तक मैंने एक्सटेंड कर दिया। इसकी हाइट बढ़ाना चाह रहा हूँ, इस फेस को सिलेक्ट करें, देन ऊपर की तरफ इसको बढ़ा दें। ठीक है, देन इसको दोबारा से सिलेक्ट करें इस फेस को, देन इस तरह से आप अपनी हाइट को भी बढ़ा सकते हैं। अगर इस फेस को आपने बढ़ाना है, इस फेस को सिलेक्ट करें, जिस फेस को बढ़ाना है उसके ऊपर क्लिक करें, वो आपका हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आगे की तरफ कर दें तो आगे की तरफ बढ़ गया, देख रहे हैं हाईलाइट हो रहा है। ऊपर वाला फेस सिलेक्ट कर रहा हूँ, इस तरफ वाला कर रहा हूँ, देन इसको इस तरह बढ़ा सकते हैं। जिस फेस को आपने बढ़ा छोटा करना है उस पर क्लिक करें, देन जिस तरफ कम या ज़्यादा करना उस तरफ ड्रैग करके क्लिक कर दें। इस ये प्रेस पुल का काम है। उसके अलावा कोई बाउंड्री बनी हो, कोई भी चीज़ की बाउंड्री, जैसे इस द्वार की यहाँ पे मैं बाउंड्री बना लेता हूँ, प्रेस पुल की मदद से भी मैं उसको एक्सट्रूड कर सकता हूँ। प्रेस पुल किया, देन यहाँ से इस बाउंड्री को सिलेक्ट किया, सॉरी इस बाउंड्री को सिलेक्ट करना है, देन आप इस तरह से वैल्यू भी पुट कर सकते हैं 10 फुट, मैन्युअली तौर पे भी प्रेस पुल कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही था। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो से कुछ फ़ायदा हुआ है, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।